हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। और जैसे कि हमने आपको 8.4 त्रिकोणमिति का परिचय में अभी तक 8.4 प्रश्नावली में पहले चार प्रश्नों का हल दे दिया है, और अब हम प्रश्न संख्या 5 पर आए हैं, और वो 8.4 प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न है, और इस अंतिम प्रश्न के 10 भाग हैं। प्रश्न संख्या 5 को 10 भागों में बांटा गया है, यानी कि इसके इसमें 10 प्रश्न बनाए गए हैं प्रश्न संख्या 5 में, और आज सभी 10 के 10 प्रश्नों का हल आपके लिए लेके आए हैं। तो देखिए, एनसीईआरटी मैथ क्लास 10th चैप्टर 8.4 त्रिकोणमिति का परिचय है, 0 to Genius क्लास में आप ये देख रहे हो। तो देखिए, प्रश्न संख्या 5 का पहला क्या कह रहा है। सबसे पहले देखेंगे, निम्नलिखित सर्वसमिकाओं को सिद्ध कीजिए। हमें सिद्ध करना है इसके बराबर ये, जहां वे कोण जिनके लिए व्यंजक परिभाषित है न्यून कोण है। तो ठीक है, न्यून कोण दिए गए हैं। सबसे पहले में उसने कहा है कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा, इसके बराबर हमें सिद्ध करना है 1 cos θ / 1 cos θ बटे में। तो चलिए, सबसे पहले हम लिखेंगे हल, और हल लिखने के बाद हमें क्या करना है, जिसको वो सिद्ध करवा रहे हैं CO कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा, और इसका दिया है होल स्क्वायर, और इसके बराबर ये सिद्ध करवा रहे हैं। तो चलिए, देख लिए हमने, ये लिख लिया है, और इसको लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड से, हमने पकड़ लिया बायां पक्ष, लेफ्ट हैंड साइड से। देखिए, ये बना हुआ है, इसको कहेंगे पूरे को ए, इसको कहेंगे बी, और ये बना हुआ है हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर। और a माइनस बी का होल स्क्वायर होता क्या है आपका, यहां पे मैं लिख देता हूं a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस टू सॉरी माइनस माइनस 2abc, ऐसे हमने इससे करना है। तो चलिए, a स्क्वायर यानी कि किसका स्क्वायर, कोसेक थीटा का स्क्वायर, और प्लस कोट थीटा का स्क्वायर, और माइनस 2 cosec θ इंटू कोट थीटा, ये आपको दिया गया है। तो इसके लिए चलिए, कोसेक स्क्वायर थीटा, तो इसको हम लिख लेंगे 1 upon sin² θ। यहां पर देखिए, कोसेक थीटा बराबर 1 upon sin θ है सर्वसमिका से, तो कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 upon sin² θ हम इसको लिख सकते हैं, प्लस है तो प्लस, और कोट थीटा बराबर कोस थीटा बटे साइन थीटा। यहां पर देखिए कि कोट थीटा बराबर कोस थीटा बटे साइन थीटा, तो हम इसको लिख सकते हैं कि कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, और स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे माइनस 2 × cosec θ 1 upon sin θ। देखिए, कोसेक थीटा को हमने क्या लिख लिया, 1 upon sin θ, और गुणे में क्या है कोट थीटा, और कोट का मान क्या होता है कोस थीटा बटे साइन थीटा, इस प्रकार से। तो हमने इस प्रकार से लिख लिया है सभी को। अब देखिए, बन क्या रहा है, यहां पे साइन स्क्वायर थीटा है, यहां पे साइन स्क्वायर थीटा है, और ये भी साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं 1 upon sin² θ प्लस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 cos θ। देखिए, ये तो 2 इसके साथ गुणा में 2 × 2 2 cos θ हो गया, और बटे में हमारा क्या आ गया, साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए, यहां पर साइन स्क्वायर थीटा, यहां पर भी साइन स्क्वायर थीटा, यहां पर भी साइन स्क्वायर थीटा, तो हर में ये अंश होता है ऊपर वाला, ये नीचे वाला, हर हर में हमारा सभी जगह साइन स्क्वायर थीटा है। तो हम साइन स्क्वायर थीटा को क्या ले लेंगे, लघुत्तम ले लेंगे साइन स्क्वायर थीटा। ऊपर क्या बचेगा हमारा, 1 cos² θ माइनस 2 cos θ। अब यहां पे देखिए, ये आपको किस रूप में नजर आ रहा है, ये आपको नजर आ रहा होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो हम इसको लिख सकते हैं
इस प्रकार से देखिए, मैं इस ब्रैकेट में आपको सारा सॉल्यूशन बता दूंगा कि वन माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर किसे लिख सकते हैं हम इस पूरे को, क्यों? क्योंकि देखिए ए स्क्वायर यानी कि वन का स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर यानी कि कोस स्क्वायर और माइनस के टू कोस थीटा और बराबर किसके होगा, वन प्लस कोस स्क्वायर थीटा माइनस टू कोस थीटा। तो हम इस पूरे मैटर को ये लिख सकते हैं, तो हमने इस पूरे मैटर को वन माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिख लेंगे। तो देखिए कैसे, वन माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर और अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, ये हमने इसको लिख लिया है। अब आप जानते हो सर्वसमिका से साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, यहां पे देखिए साइन स्क्वायर थीटा बराबर वन माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो हमने नीचे वाले को हम क्या लिख सकते हैं कि वन माइनस कोस स्क्वायर थीटा और ऊपर कितना हमारा वन माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर और ऊपर वाले में दो घात है तो हम इस दो घात को इस प्रकार से लिख लेंगे वन माइनस कोस थीटा इंटू वन माइनस कोस थीटा और बटे में हमारा कितना है, देखिए ये बना हुआ है वर्गांतर a माइनस बी का होल a माइनस बी का स्क्वायर, ये बन गया हमारा वर्गांतर से a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर a प्लस b इंटू a माइनस b। इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं इस वाले को, तो एक बार तो हम माइनस के साथ दिखा देंगे और एक बार हम प्लस के साथ दिखा देंगे, ठीक है। अब यहां पे देखें ऊपर वन माइनस कोस थीटा नीचे वन माइनस कोस थीटा, तो इससे ये कट गया। अब हमारा आ गया क्या, वन माइनस कोस थीटा अपॉन वन प्लस कोस थीटा और देखिए यही हमको लाना था कि वन माइनस कोस थीटा अपॉन वन प्लस कोस थीटा। अतः हम लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड, इस प्रकार से ये आपका आंसर आ गया। देखिए बहुत ही आसान तरीके से आपने अपने आंसर को प्राप्त कर लिया है इन सर्व समीकरणों की सहायता से। चलिए एक बार आपको फिर से बता देते हैं, उसने कहा है कोसेक थीटा माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर बराबर वन माइनस कोस थीटा अपॉन वन प्लस कोस थीटा के बराबर हमें सिद्ध करना है। तो इसको हमने लिख लिया कोसेक थीटा माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर इस रूप में, ए माइनस बी का होल स्क्वायर इसको बना लिया और इस रूप में हमने इसे खोल लिया। यहां पर देखिए इस प्रकार से इस रूप में हमने इसको खोल लिया और जब इसको खोल लिया तो कोसेक स्क्वायर थीटा को हमने वन अपॉन साइन स्क्वायर थीटा लिख लिया सर्व समीका से और कोस थीटा को कोस बटे साइन लिख लिया और माइनस टू इंटू कोसेक है कोसेक को एक बटा साइन और कोट को कोस बटा साइन, यहां से देखिए इस प्रकार से। तो अब हमने क्या किया, सारे में लघुत्तम ले लिया, लघुत्तम आ गया हमारा साइन स्क्वायर थीटा, ऊपर रहा वन प्लस कोस स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर कोस टू कोस थीटा और इसको हमने लिख लिया वन माइनस कोस स्क्वायर थीटा ऐसे होल स्क्वायर। देखिए हमने बताया कि हमारा ये है यहां पर वन प्लस कोस स्क्वायर थीटा माइनस टू कोस थीटा, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम वन माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर, तो ऐसे लिख लिया। और नीचे बचा हमारा साइन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा सर्व समीका से हमारा है क्या वन माइनस कोस स्क्वायर थीटा के बराबर, तो इसके नीचे हमने इसकी जगह इसको लिख लिया और ये बन गया हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर ये वाला, और इसको एक बार जोड़ा एक बार घटाया और यहां पे ऊपर दो घात है माइनस की वो भी खोल के लिख दी हमने, तो एक घात से एक घात खत्म हो गया, तो वन माइनस कोस थीटा अपॉन वन प्लस कोस थीटा हमारा आंसर आ गया। चलिए आप इसका स्क्रीन शॉट ले लीजिए, फिर हम पढ़ते हैं नंबर दो के ऊपर, इसका जो दूसरा पार्ट है उसे देखते हैं। चलिए इसका दूसरा पार्ट दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं पांचवे का, हमें क्या कह रहा है, कोस ए अपॉन वन प्लस साइन ए प्लस
वन प्लस साइन ए अपॉन कोस ए बराबर टू सेक ए, हमें इसके बराबर टू सेक ए सिद्ध करना है। तो सबसे पहले लिखेंगे हम हल, देख लेते हैं और लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड से, और इस देखिए क्या दिया है हमें लेफ्ट हैंड साइड में, कोस ए अपॉन वन प्लस साइन ए और प्लस वन प्लस साइन ए अपॉन कोस ए, ये दिया है और इसके बराबर हमें सिद्ध करना है टू सेक ए। तो देख लेंगे, चलिए यहां पर हम ले लेते हैं लघुत्तम, यहां पे वन प्लस साइन ए है, यहां पे कोस ए है, तो क्या आ गया लघुत्तम हमारा, वन प्लस साइन ए इंटू कोस ए, ये आ गया हमारा लघुत्तम। तो ये कितना हो गया यहां पे, कोस ए की कोस ए में हुई तो कोस स्क्वायर ए और प्लस ये कितना बन गया वन प्लस, देखिए एक घात यहां पे है एक घात यहां पे है, तो हो जाएगा वन प्लस साइन ए का होल स्क्वायर इस प्रकार से। तो चलिए अब देख लेते हैं कोस स्क्वायर ए को हम जो का क्यों रखेंगे, और प्लस ये क्या बन गया हमारा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको ए कहेंगे इसको बी कहेंगे और ए प्लस बी का बन गया होल स्क्वायर। तो कितना होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर ए और प्लस टू ए बी यानी के टू साइन ए, और बटे में आपका क्या आएगा वन प्लस साइन ए इंटू कोस ए इस प्रकार से। तो देखिए यहां पर साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए ऐसे लिख लेंगे हम, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए और प्लस में वन और प्लस टू साइन ए, और बटे में आपका क्या जाएगा वन प्लस साइन ए इंटू कोस ए। अब ये देखिए साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए सब समीका से इसका मान आ गया वन, तो इसकी जगह हम क्या रख सकते हैं वन, और प्लस में हमारा वन और प्लस में है हमारा टू साइन ए और बटे में है वन प्लस साइन ए इंटू कोस ए बराबर, यहां पे देखिए एक और एक दो हो गया, ऊपर हो गया टू प्लस टू साइन ए अपॉन वन प्लस साइन ए इंटू कोस ए ये बटे में। अब इसके बराबर देखिए यहां पे दो है यहां पे दो है, तो मैं दो को ले लूंगा कॉमन और अंदर बचेगा वन प्लस साइन ए, और नीचे बटे में कितना है हमारा वन प्लस साइन ए और इंटू कोस ए, वन प्लस साइन ए से वन प्लस साइन ए कट जाएगा तो बचेगा क्या हमारा टू अपॉन कोस ए और बराबर में ये देखे यहां पर टू अपॉन कोस ए, कोस इधर नीचे बटे में है, ऊपर जाके किस में बदल जाएगा सेक में, तो इसको कहेंगे हम टू सेक ए। देखिए यहां पर वन अपॉन कोस ए बराबर किसके है सेक ए के, तो यहां पे टू अपॉन कोस ए किसके बराबर टू सेक ए के, और यही आपको सिद्ध करना था। तो आप लिख सकते हो कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, देखिए एक बार फिर से आपको बता देते हैं, उसने क्या दिया है हमें कोस ए अपॉन वन प्लस साइन ए प्लस वन प्लस साइन ए अपॉन कोस ए बराबर टू सेक ए के बराबर हमें सिद्ध करना है। तो हमने लिया लेफ्ट हैंड साइड से, तो कोस ए अपॉन वन प्लस साइन ए और प्लस वन प्लस साइन ए अपॉन कोस ए, तो हमने ये पूरा का पूरा लघुत्तम ले लिया वन प्लस साइन ए इंटू कोस ए, ऊपर कितना हुआ कोस ही कम कोस कोस स्क्वायर हो गया और इधर इसका स्क्वायर हो गया वन प्लस साइन ए का। अब आपने देखा इसको ए माना इसको बी माना, तो ये बन गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो कोस स्क्वायर ए तो जो का तो इसे हमने ए प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में खोल दिया कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी और अपॉन वन प्लस साइन ए इंटू कोस ए हमारा जो का तो। देखिए ऊपर से नीचे तक की क्रिया में हमें हर को नहीं छेड़ना है, हर का बस हमने लघुत्तम लिया और जो का तो लेके चलते रहे, ऊपर जो क्रिया की वो हमने
अंश में की। तो देखिए साइन स्क्वायर है प्लस कोस स्क्वायर है प्लस वन प्लस टू साइन है, ये यहाँ पे साइन स्क्वायर है कोस स्क्वायर है बदल गया सर्वसमिका से एक में, और प्लस में एक है और प्लस में टू साइन टू है, तो एक और एक दो, दो प्लस दो साइन है अपॉन वन प्लस साइन है इंटू कोस है। ऊपर हमने दो को बाहर ले लिया कॉमन, अंदर बच गया वन प्लस साइन है और नीचे भी वन प्लस साइन है, तो इससे वन प्लस साइन है वन प्लस साइन है आपस में कट गया, बचा हमारा टू अपॉन कोस है और कोस ऊपर जाके बदल गया सेक में, तो टू सेक है हमारा आंसर आ गया। और यही हमें सिद्ध करना था, तो हम लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। चलिए आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं प्रश्न संख्या तीन की ओर। चलिए देख लेते हैं नंबर तीन में आपको क्या दिया है। नंबर तीन में आपको दिया है टेन अपॉन टेन थीटा अपॉन वन माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा अपॉन वन माइनस टेन थीटा, और इसके बराबर आपको लाना है वन प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, ये आपको लाना है। तो आपने कहा लेफ्ट हैंड साइड से, तो आप चलेंगे किस से, लेफ्ट हैंड साइड से, तो आपने लिख लिया tan थीटा अपॉन वन माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा अपॉन वन माइनस tan थीटा, ये लिख लिया। अब इसके बराबर आप क्या लिख सकते हो, देखिए tan थीटा को आप क्या लिख सकते हो, देखिए tan थीटा को हम जो का तो tan थीटा ही लिखेंगे, और यहां पर जो ये हमें दिया गया है वन माइनस कोट थीटा, इसको बदल लेंगे हम वन अपॉन टेन थीटा में, कोट थीटा को हम वन अपॉन टेन थीटा लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए कोट थीटा बराबर वन अपॉन टेन थीटा सब समीका से, तो हमने कोट को बदल लिया वन अपॉन टेन में, और प्लस है तो प्लस लिखेंगे, और ये कितना दिया है उसने, इधर कोट थीटा ऊपर है तो इसे भी बदल लेंगे वन अपॉन टेन थीटा और अपॉन वन माइनस टेन थीटा, इस प्रकार से हमने लिख लिया। तो आप यहां पे देखेंगे दिया क्या, अब आपका टेन थीटा अपॉन वन इसका बटा एक मान लेंगे, और लघुत्तम ले लेंगे हमारा क्या आ जाएगा, लघुत्तम टेन थीटा, तो लघुत्तम आ गया टेन थीटा, और ऊपर कितना बना टेन इकम टेन, तो टेन थीटा और माइनस में आपका वन, इस प्रकार से इसका हल हुआ। तो प्लस है तो प्लस लगाएंगे, देखिए यहां पर ये ऊपर इसके भाग में है नीचे इसके गुणा में आ जाएगा, तो बचेगा क्या वन अपॉन टेन थीटा इंटू वन माइनस टेन थीटा, इस प्रकार से बराबर का चिन्ह लगाएंगे, तो देखिए क्या होगा, ये यहां पर इसके गुणा में नीचे भाग में है, और तो ये यहां पर चला जाएगा हमारा गुणा में, तो कितना हो जाएगा देखिए यहां पर ये तीसरे नंबर का ये वाला, ये इधर नीचे भाग में है ऊपर गुणा में, तो कितना हो जाएगा टेन थीटा की एक घात ये एक घात ये, तो टेन थीटा की घात दो और अपॉन टेन थीटा माइनस वन, इस प्रकार से, और प्लस वन अपॉन यहां पे देखिए यहां पे हमारा टेन थीटा माइनस वन है और यहां वन माइनस टेन थीटा है, तो हम बाहर माइनस से गुणा करा देंगे, ये प्लस न लिख के माइनस लिखेंगे, तो कितना हो जाएगा हमारा, तो हमारा आ जाएगा टेन थीटा इंटू, देखिए ये दोनों आपस में बदल जाएंगे, ये हो जाएगा टेन थीटा माइनस वन, इस प्रकार से जब हम बाहर माइनस से गुणा कर देंगे, माइनस से गुणा करने पर मैं ये बात लिख देता हूं यहां पर कि माइनस से गुणा करने पर माइनस चिन्ह लेने पर हमने यहां पे माइनस का चिन्ह लिया तो अंदर का चिन्ह बदल गया टेन प्लस हो गया वन हमारा माइनस हो गया इस रूप में आ गया। अब चलिए ले लेते हैं लघुत्तम, देखिए लघुत्तम हमारा क्या आएगा, यहां पे tan थीटा माइनस वन है यहां पे tan थीटा माइनस वन है और इंटू tan थीटा, तो लघुत्तम आ गया tan थीटा इंटू वन माइनस tan थीटा। अब यहां पे देखिए
ऊपर यहाँ पे tan थीटा से tan थीटा कैंसिल, तो tan थीटा की गुणा tan स्क्वायर थीटा में होगी, तो ये बन गया tan की पावर 3 थीटा और ऊपर माइनस का 1, ये आ गया हमारा लघुत्तम लेके, ये बच गया। अब देखिए यहां पर मैं आपको एक छोटी सी और बात बताने जा रहा हूं, तो ये बन गया हमारा, इसको a कहेंगे, इसको b कहेंगे, और ये बन गया a की क्यूब माइनस बी की क्यूब, जो कि होता क्या है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी के बराबर, ये यहां पे। तो हम इसे इस रूप में खोल देंगे कि एक tan थीटा माइनस वन यानी कि a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस वन और प्लस tan थीटा, ये आ गया, और बटे में आपका कितना है tan थीटा इंटू वन माइनस सॉरी tan थीटा माइनस वन, ये tan थीटा माइनस वन हो रहा है ना, अब tan थीटा माइनस वन इस प्रकार से, तो ये कितना tan थीटा माइनस वन। अब यहां पे देखिए, ऊपर भी tan थीटा माइनस वन है, नीचे भी tan थीटा माइनस वन है, तो आपस में दोनों के दोनों कट जाएंगे, और ऊपर कितना बचेगा हमारा tan स्क्वायर थीटा अपॉन tan थीटा प्लस वन अपॉन tan थीटा प्लस tan थीटा अपॉन tan थीटा, तो tan थीटा अपॉन tan थीटा। अब यहां पे देखिए क्या क्या बचेगा, देखिए इस tan थीटा से इसकी ये घात खत्म हो जाएगी, तो कितना आ गया खाली हमारा tan थीटा, और यहां पे 1 अपॉन tan थीटा, ये देखिए यहां पे 1 अपॉन tan थीटा बराबर किसके, cot थीटा के, तो हम इसको लिख लेंगे cot थीटा, और tan थीटा से tan थीटा खत्म हो गया, तो बचा हमारा क्या प्लस में 1, इस प्रकार से ये आ गया। अब आप देखिए tan थीटा को आप क्या लिख सकते हो, sin थीटा अपॉन cos थीटा, यहां पर देखिए tan थीटा बराबर sin थीटा बटे cos थीटा, और प्लस है तो प्लस, cos थीटा को आप लिख सकते हो cos थीटा बटे sin थीटा, और प्लस में 1 है तो 1 को जो का क्यों रखेंगे, 1 के नीचे तो कुछ है ही नहीं। अब यहां पे देखना, हम ले लेंगे लघुत्तम, इसका भी बटा एक मान लेंगे, और लघुत्तम ले लेंगे, लघुत्तम कितना आ गया हमारा कि साइन थीटा और कोस थीटा, ये हमारा आ गया लघुत्तम कोस थीटा और साइन थीटा। अब यहां पे देखिए साइन की गुना साइन में हुई, तो हो गया साइन स्क्वायर थीटा, प्लस है तो प्लस, कोस की गुना कोस में हुई, तो क्या आ गया हमारा कोस स्क्वायर थीटा, और प्लस में वन हमारा जो का क्यों, इस प्रकार से। अब आप देखेंगे ये तो बन गया आपका वन, कितना आ गया ये देखिए यहां पर साइन थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा सर्व समीका से, ये हो गया वन, तो वन अपॉन आपका आ गया कोस थीटा साइन थीटा और प्लस में आपका वन, ये जो कत। अब यहां पे देखिए आप, वन अपॉन कोस थीटा किसके बराबर है सेक थीटा के, और वन अपॉन साइन थीटा बराबर है कोसेक थीटा के, तो जब हम इनको ऊपर ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा, ये प्लस का वन है तो इसको इधर लिख लेंगे, वन प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, और यही आपको सिद्ध करना है, देखिए वन प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, तो आप लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड के लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, ये आपका आंसर आ गया। चलिए देख लेते हैं किस प्रकार से आपने आंसर प्राप्त किया, यहां पे दिया है tan थीटा अपॉन 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा,
बराबर 1 प्लस sec थीटा cosec थीटा। तो हमने कहा लेफ्ट हैंड साइड से आपको ये सिद्ध करना है, लेफ्ट हैंड साइड में हमारा क्या है, tan थीटा / 1 - cot थीटा + cot थीटा / 1 - tan थीटा। आपने tan थीटा को झोंका तो रखा, cot को लिख लिया 1 / tan के रूप में, यहां पे भी cot को 1 / tan के रूप में बदला आपने, तो इसके बटे हमने एक मान के लघुत्तम ले लिया, हमारा लघुत्तम आ गया tan थीटा। और इसके बटे ये देखें यहां पर ये ऊपर भाग में है नीचे गुणा में आ गया इस प्रकार से, तो क्या हो गया tan थीटा / tan थीटा - 1 / tan थीटा + 1 / tan थीटा * 1 - tan थीटा। अब यहां पे देखिए ये नीचे भाग में है ऊपर उसके साथ जाके गुणा में हो गया, तो tan स्क्वायर थीटा हो गया और / tan थीटा - 1। अब हमने क्या किया देखें यहां पे 1 + tan थीटा है और यहां पे tan थीटा - 1 है, तो हमने कहा माइनस चिन्ह लेने पर, यहां पे पहले प्लस था हमने यहां माइनस ले लिया, तो माइनस का चिन्ह लिया तो अंदर के सारे चिन्ह बदल जाएंगे, तो देखिए क्या हो गया 1 / tan थीटा * tan थीटा - 1। पहले tan थीटा माइनस का था प्लस का हो गया, 1 पहले प्लस था माइनस हो गया, क्यों बाहर माइनस चिन्ह लेने पर। चलिए अब आगे की क्रिया देखते हैं, दोनों का लघुत्तम ले लिया, लघुत्तम आ गया हमारा tan थीटा * tan थीटा - 1, तो ये लघुत्तम आ गया, तो tan थीटा की गुणा ऊपर हुई तो हो गया tan की घात 3 और माइनस में 1 / tan थीटा * tan थीटा - 1। अब इसको हमने रख दिया इस रूप में a की क्यूब - b की क्यूब, देखिए यहां पे इसकी क्यूब है इसको भी हमने क्यूब मान लिया, तो हमारा फॉर्मूला क्या है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, इस रूप में हमने खोल दिया, तो बचा क्या हमारे पास ऊपर tan थीटा माइनस 1 / नीचे भी tan थीटा माइनस 1, इससे ये कट गया, सबके बटे क्या आ गया tan स्क्वायर थीटा / tan थीटा प्लस 1 / tan थीटा प्लस tan थीटा / tan थीटा, क्योंकि ये जो tan थीटा है सभी को भाग दे रहा है, सभी के बटे में है, सबके लिखा दिखा दिया हमने, तो यहां से tan से एक घात खत्म और 1 / tan थीटा बन गया हमारा क्या cot थीटा और tan से tan खत्म, ये आ गया 1। तो अब यहां पे tan थीटा को हमने लिख लिया sin थीटा बटे cos थीटा और cot को लिख लिया cos बटे sin और 1 को रखा 1 के बटे 1। ठीक है, इस प्रकार से अब हमने क्या ले लिया, अब हमने दोनों में लघुत्तम लिया sin थीटा cos थीटा, हमारा लघुत्तम आ गया, तो कितना हो गया sin स्क्वायर थीटा + cos स्क्वायर थीटा, ये हो गया 1 यहां पे के 1 के बटे cos थीटा + cos थीटा * sin थीटा और प्लस में 1। 1 के साथ कोई क्रिया नहीं दिखाई हमने, इसको जोगा तो रखा क्योंकि हमें प्लस 1 अलग से चाहिए, तो अब ये कितना बन गया ऊपर जाके ये बन गया sec स्क्वायर sec थीटा, ये बन गया cosec थीटा और प्लस में 1। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, फिर बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 की ओर।